मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हैं ये नोएडा की कंपनियां हैं। इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में कंपनियां होती हैं। आप पूरे भारत से अगर जॉब के लिए नोएडा या दिल्ली एनसीआर में आ रहे हो तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और टैलेंट के अकॉर्डिंग आए वॉकिन में आके इंटरव्यू दे के आप जॉब ले सकते हैं, या ऑनलाइन अप्लाई करके अगर आपको बुलाया जाता है तो आप सर्च करके जॉब ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं याद से आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर कंपनी आपसे पैसे मांगता है दिल्ली एनसीआर में तो आपको पैसे नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पैसे देंगे तो आपका पैसा भी मिलने वाला नहीं है और टाइम की भी बर्बादी होगी। इससे बेहतर है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन और टैलेंट के अकॉर्डिंग ही जॉब सर्च करें। और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत मेहनत करना होता है, तो आप मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से तैयार रहिए कि आप हार्ड वर्क भी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, तब आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं दिल्ली एनसीआर की सारी अपडेट आप तक शेयर करूं। मुझे 10 से 15 साल हो गए और ये मैंने लोगों से सुना है, देखा भी है, अनुभव भी किया है, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारी चीज़ें जानकारी लाकर मैं आप तक अपडेट करता हूँ। आप अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको नई नई जानकारी अपडेट होती रहेगी। और ख़ासकर मैं दिल्ली और एनसीआर की अपडेट जानकारी देता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ओके कर दें, जिससे